हेलो एवरीवन एस्प्रेसो के चैनल पे आप सभी का एक और बार स्वागत है जहाँ पर कि हमने रन किया एक बहुत ही धमाकेदार स्विंग ट्रेडिंग सीरीज अभी अगर अभी तक आप लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग सीरीज के बारे में नहीं जाना है यू डोंट नो व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग आई इंसिस्ट कि आप जाके उनके वीडियोस देखें एस्प्रेसो के चैनल पे और मेक श्योर sure कि आप एस्प्रेसो के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें सो दैट यू आर नोटिफाइड वेनएवर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वंडरफुल ट्रेडर्स एंड पीपल लाइक मी ऑल्सो आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक भी कीजिए इससे प्रोत्साहन मिलता है और कमेंट्स में आपके स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड जितने सवाल हैं वो याद से लिख दीजिए सो so, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यार ये साइकोलॉजिकल एलिमेंट और रिस्क मैनेजमेंट वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम कैसे टैकल करें वेन इट कम्स टू स्विंग ट्रेडिंग सिंपल से कुछ रूल बताऊंगा पांच रूल्स बताऊंगा जिनको अगर आपने ध्यान दिया तो आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं बोथ फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट परस्पेक्टिव तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्विंग ट्रेडर के लिए वेन यू आर ट्रेडिंग एंड टू अ स्विंग ट्रेडिंग तो ऑब्वियसली आप एक को chase करते हैं। जब आप मल्टीपल क्वांटिटीज तो ले लेते हैं तो स्वाभाविक है, तो से बढ़ जाता है बट स्विंग ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली फ्यूचर ट्रेडिंग यहां पर आप स्विंग्स में बहुत ज्यादा पोजिशन नहीं लेते वॉट यू मेक ट्राई टू मेक श्योर का स्विंग ले लेंट का स्विंग ले। तो में लॉसिज कैन बी इनस स्टॉक में तो चलिए होगा लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास केवल मंथली एक्सपायरी तक का टाइम रहता है लिया है लास्ट थर्सडे ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपायरी जरूरी होता है आप गलत हो गए तो आप उसको काटो इसी के लिए मैं कहता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड के प्रस्पेक्टिव से ओनली टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में आपको एटलीस्ट वन एस टू थ्री वन एस टू फोर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिले तब तक आप उस ट्रेड को मत लीजिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप कैसे फाइंड करेंगे सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जैसे हमने सीरीज में देखा किस प्रकार से ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहे थे किस प्रकार से इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट बन रहे थे जब दो तीन चीजें एक ही चीज की तरफ इशारा करें तभी आप वो ट्रेड लो केवल एक पैरामीटर के बेसिस पे मत लो सो फॉर इंस्टेंस अगर नैरो रेंज सेवन भी बन रहा है प्लस ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बन रहा है प्लस वॉल्यूम एक्शन भी आ रहा है प्लस सुपर ट्रेंड भी बुलिश साइन दिखा रहा है प्लस इससे पहले रेंजिंग मार्केट था ट्रेंडिंग मार्केट था यू हैव गॉट अ बाय तो जब बहुत सारी चीजें मिक्स होती तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी बाइबेट्स या फिर सेल बेट्स मिलते हैं तो पहला रूल क्या है लुक फॉर हाई रिस्क रिवॉर्ड दूसरा रूल जो आपको यहां पर फॉलो करना रहेगा ऑलवेज 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 ट्राई टू पुट अ स्टॉपलॉस इन टू योर सिस्टम काफी सारे स्विंग ट्रेडर सोचते हैं कि यार आज हमने ट्रेड लिया है ये स्विंग ट्रेड हमारा दो हफ्ते बाद खत्म होगा तो हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं एज सिंपल दैट अर्ली इन द मॉर्निंग 9:15 इवन इफ यू हैव टू गो टू ऑफिस अगर आपको ऑफिस भी जाना है सवा नौ बजे आप अपने अपने सिस्टम पे ट्रेड का स्टॉप लॉस लगा के जाएंगे स्वाभाविक so सी बात है कभी ना कभी महीने दो तीन महीने में बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन आपके अगेंस्ट आएगा इस केस का सिंपल सा तरीका है आपने जो स्टॉप लॉस प्रिज्यूम किया था लेट से हंड्रेड पे आपने स्टॉक लेने का सोचा है नाइन का अगर आपका स्टॉप लॉस था इवन इफ दैट स्टॉक इज ओपनिंग एट 97 आप मार्केट ऑर्डर पे उसको एग्जिट करोगे तो हमेशा याद रखिए एज अ स्विंग ट्रेडर योर स्टॉप लॉस हैज टू बी इन द सिस्टम आप उसको ट्रेल जरूर कर सकते हो लेकिन आपके सिस्टम पे स्टॉप लॉस होना चाहिए अदरवाइज आपके पास अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे तो दिस इज द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो किसी भी स्विंग ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट नेवर एवर टर्न योर स्विंग ट्रेडिंग इनटू एन इंट्राडे और अ इंट्राडेट ट्रेडिंग मैंने अक्सर काफी सारे लोगों को देखा है जो लेते हैं व्यू पॉइंट ऑफ अ स्विंग ट्रेड की वन वीक होल्ड करेंगे वन ईयर होल्ड करेंगे लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुंह देखते दो परसेंट का उनके फेवर में तीन परसेंट का अचानक से उनके अंदर तलब होती है वह निकल जाते हैं या जैसे ही स्टॉक उनके फेवर में नहीं चलता इवन बिफोर इट हिट द स्टॉप लॉस वो वहां पर एग्जिट कर लेते हैं ओनली टू सी दैट स्टॉक इज अगेन रिबाउंडेड आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज आपने जो स्विंग ट्रेडिंग का परस्पेक्टिव लिया है वो इसी सोच पे लिया हुआ है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कुछ दिन से कुछ हफ्तों के अंदर आपका टारगेट अचीव होगा लेकिन अगर आप अपने पोजिशन्स को पहले ही काट देते हो तो स्वाभाविक से बात है आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मेक श्योर sure जब आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तब अपने पोजिशन्स को सही समय पर आप निकालें या फिर काटें next the fourth most important aspect from a risk management point of view as well as the swing trade uh, point of view is that always try to look into multi-timeframe analysis

आपके वीकली बेसिस पे उसके बाद आप आओगे डाउन डेली बेसिस पे और ट्रेड का एग्जीक्यूशन जो आप करने वाले हो वो आप आवरली बेसिस पे करोगे इससे क्या होता है आपको एक डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है वेन टू ट्रेड वेन टू नॉट ट्रेड एंड वेन टू टेक एन एग्जिट वेन टू टेक एन एंट्री हाउ टू ट्रेल ट्रेलिंग के लिए आप आवरली कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके कारण काफ़ी सारे लोग नुकसान करते हैं प्लीज यूज लेवरेज एंड लिमिट काफी सारे लोग धुन लेवरेज ले लेते हैं स्विंग ट्रेड पे वो सोचते हैं क्योंकि हमको 10 परसेंट का कैप्चर मिल रहा है तो क्यों ना हम सारा का सारा ऑप्शन बाइंग में लगा दें? क्यों ना हम बहुत सारे फ्यूचर के लॉट खरीद लें? क्यों ना हम अपने

कर आप उस चीज को संभाल सको अगर ये पांच चीजें रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की आपने ध्यान रखी तो स्विंग ट्रेडर एट हमने कोशिश करी स्विंग ट्रेडिंग की बड़े बड़े कॉस्टली सेमिनार्स में भी ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती है, इतने सिंपल तरीके से प्रयास पसंद आया तो लाइक like जरूर कीजिए कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर बताएगा एंड टिल एंड कीप ट्रेडिंग सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों की आदि है स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े